अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, आई एम योर मैथ टीचर मिस मदीहा एंड टुडे आवर टॉपिक इज फ्रैक्शन यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 114। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजिंग फ्रैक्शंस फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, स्मॉल फ्रैक्शन से हम बड़ी फ्रैक्शन की तरफ लिखते हैं। तो फ्रैक्शंस में हम क्या करेंगे, स्मॉल फ्रैक्शन से ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन जो होती है उसकी तरफ लिखेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग फ्रैक्शंस फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। डिसेंडिंग में हम क्या करते हैं, बड़े फ्रैक्शन से छोटे फ्रैक्शंस की तरफ लिखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं न्यूमिनेटर, और जो हमारी नीचे वाली वैल्यूज होती है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अब हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर्स को देखना है। न्यूमिनेटर्स हमारे पास देखें क्या है, 3, 5, 2, 1। हमने इसको अरेंज करना है स्मॉल अमाउंट से बड़ी अमाउंट की तरफ। पार्ट 8, 3/8, 5/8, 2/8, 1/8। अब इसको हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, 1/8, 2/8, 3/8 और 5/8। ये देखिए अब न्यूमिनेटर की हमारी कैसी आई है, 1, 2, 3, 5। सही है, इसको हमने असेंडिंग में कर लिया। पार्ट बी, 6/2/6, 4/6, 3/6, 1/6। इसको हमने करना है असेंडिंग में, 1/6, 2/6, 3/6 और 4/6। पार्ट सी, 2/9, 5/9, 8/9, 1/9। इसको हमने क्या करना है, असेंडिंग में करना है। इसके नोमिनेटर्स देखेंगे, स्मॉल अमाउंट से हमने बड़ी अमाउंट की तरफ जाना है। तो 1/9, 2/9, 5/9, 8/9। पार्ट डी पे आ जाएं, 4/10, 9/10, 3/10, 7/10। इसको हमने करना है असेंडिंग में, स्मॉल कौन सा है हमारे पास, 3/10, 3/10, 4/10, 7/10 और 9/10। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, राइट इज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको सॉल्व करना है। अब ज़रा हम फ्रैक्शंस के बारे में ये भी समझ लें कि फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 9 है डिनोमिनेटर, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उसको हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 6, 2 एंड 4, तीनों अलग अलग हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। नाउ लेट्स स्टार्ट, इसको हमने करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब पार्ट ए देखें, 1/6, 1/2, 1/4। इसमें हमारे पास नोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो इसको हमने असेंडिंग में लिखना है। अभी देखें असेंडिंग में उन्होंने कैसे लिखा है, 1/6, 1/4, 1/2। लेकिन कैसे आना चाहिए था हमारे पास, सबसे पहले स्मॉल अमाउंट आनी चाहिए थी। वो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि डिनोमिनेटर जो होते हैं, अब देखें लिखना हमने असेंडिंग में था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बड़ी अमाउंट लिखती। बड़ी अमाउंट क्यों लिखी है, डिनोमिनेटर की स्मॉल अमाउंट हो लेकिन उसकी वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है। अगर डिनोमिनेटर की बड़ी अमाउंट हो और उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, इसलिए हमने बड़ी अमाउंट से स्टार्ट किया है। बड़ी अमाउंट का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर अगर हमारे पास बड़ा है तो उसकी वैल्यू हमारे पास कम होगी, इसलिए हमने बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट की तरफ लिखा है इसको डिसेंडिंग में, क्योंकि बड़ी अमाउंट मीन इसकी वैल्यू कम है। 1/6, 1/4, 1/2। पार्ट बी पे आ जाएं, 2/3, 2/10, 2/5। इसको हमने करना है असेंडिंग में। फिर से आपको याद दिला दूँ, डिसेंडिंग की अगर आपके पास अमाउंट बड़ी है तो उसकी वैल्यू कम होगी, तो हमने क्या करना है, कम वैल्यू से स्टार्ट करना है। तो कम वैल्यू वाली कौन सी आएगी हमारे पास, बड़ी अमाउंट, 2/10, 2/5, 2/3। अब आ जाएंगे पार्ट सी पे, 2/5, 2/6, 2/7। फिर वही बात हमने करनी है, बड़ी अमाउंट सबसे पहले लिखनी है क्योंकि उसकी वैल्यू कम होती है, 2/7, 2/6, 2/2। अब करेंगे पार्ट डी, 3/4, 3/8, 3/9। इसमें से हमने इसको असेंडिंग में लिखेंगे, फिर आएगी बड़ी अमाउंट, 3/9, 3/8 एंड 3/4। पार्ट ई, 1/10, 1/3, 1/5। अब इसको लिखेंगे असेंडिंग में, 1/10, 1/5, 1/3। पार्ट एफ सॉल्व करते हैं,
फोर ओवर फाइव, फोर ओवर नाइन, फोर ओवर सिक्स, इसको हम करेंगे असेंडिंग में, फोर ओवर नाइन, फोर ओवर सिक्स, फोर ओवर फाइव। ये हमने क्यों लिखा था, दोबारा याद दिलाती चलूँ कि डिसेंडिंग की अगर हमारे पास अमाउंट बड़ी है तो उसका मतलब उसकी वैल्यू कम होती है, और डिसेंडिंग की अगर हमारे पास वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब उसकी जो वैल्यू अमाउंट छोटी है तो उसकी वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होती है। पार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व करते हैं, राइट दीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पार्ट ए, वन ओवर फोर, वन ओवर थ्री, वन ओवर टेन। अब इसको देखें सोल्व कैसे किया है उन्होंने, डिसेंडिंग में करना था। डिसेंडिंग में हम कैसे करते हैं, बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट की तरफ, लेकिन यहाँ पे क्या आ गई है हमारे पास, वन ओवर थ्री, वन ओवर फोर, वन ओवर टेन, यानी इसको छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट की तरफ लिखा। क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपके पास अमाउंट बड़ी है तो उसकी वैल्यू कम होगी, अगर अमाउंट छोटी है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसलिए हमने छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट की तरफ लिखा है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। पार्ट बी को करते हैं, टू ओवर सिक्स, टू ओवर एट, टू ओवर फाइव, इसको हमने वैसे डिसेंडिंग में अब कैसे लिखेंगे, छोटी अमाउंट से, ये इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, टू ओवर फाइव, टू ओवर सिक्स, टू ओवर एट। पार्ट सी, टू ओवर सेवन, टू ओवर फाइव, टू ओवर थ्री, इसको हमने करना है डिसेंडिंग में, फिर हम क्या करेंगे, जिसकी अमाउंट कम होगी उस अमाउंट से स्टार्ट करनी है और इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, टू ओवर थ्री, टू ओवर फाइव, टू ओवर सेवन। पार्ट डी पे आ जाए, थ्री ओवर नाइन, थ्री ओवर सेवन, थ्री ओवर फोर, इसको हमने करना है डिसेंडिंग में, थ्री ओवर फोर, थ्री ओवर सेवन, थ्री ओवर नाइन। पार्ट ई, वन ओवर सिक्स, वन ओवर टू, वन ओवर सेवन, इसको हमने करना है डिसेंडिंग में, वन ओवर टू, वन ओवर सिक्स, वन ओवर सेवन। पार्ट एफ, वन ओवर नाइन, वन ओवर फोर, वन ओवर फाइव, इसको हम करेंगे डिसेंडिंग में, वन ओवर फोर, वन ओवर फाइव, वन ओवर नाइन। आपने ये बात याद रखनी है, अगर डिसेंडिंग में आपके पास अमाउंट जो है वो बड़ी है तो उसकी वैल्यू कम होती है, और डिसेंडिंग में आपके पास अमाउंट है छोटी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है।